Hello guys, welcome to Agriculture and GK channel, a single platform for all the preparation of all agriculture and allied exams. In this channel, we discuss all topics of agriculture. So today, I am going to discuss an important topic of plant pathology, that is diseases in rice crop. और गाइस आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो या अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब किए और शेयर कीजिए टू मोर एंड मोर स्टूडेंट्स, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस चैनल से जुड़ सके और ज्ञान प्राप्त कर सके. एंड वी ऑल्सो डिजाइन ए कोर्स फॉर ओनली ₹1000 इन विच वी गिव कम्प्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस फॉर एग्जाम्स लाइक ICAR, JRF, ASRB, NET, SRF and ARS exams through PDF notes, lecture videos and question papers. And also we provide a ebook which includes previous year questions and practice sets. So if you are interested to purchase this course, ping on the WhatsApp number given in the screen. अब हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं हमारे आगे बढ़ाते हुए हमारे टॉपिक जो है कि diseases of rice crop. So guys, पहले हमें जानना चाहिए कि राइस में ऐसा कौन सा मेजर diseases है जो कि मेजर हार्म करते हैं राइस को. तो कुछ ऐसा डिजीजेस है जिनका नाम यहाँ मैं लिखा हूँ जो कि है राइस ब्लास्ट. पहला डिजीज हमारा राइस ब्लास्ट. फिर आता है ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस, बैक्टीरियल ब्लाइट, सीड ब्लाइट ऑफ राइस, फॉल्स स्मट, खैरा डिजीज एंड टुंग्रो डिजीज ऑफ राइस. राइस ब्लास्ट की कॉजल ऑर्गेनिज्म है जो कॉज करता है वो है पायरिकुलेरिया ग्रीजे. ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस कॉज करता है हेलमोंथोस्पोरम ओराइजे. बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस जो कि कॉज्ड बाय है ज़ैंथोमोनस ओराइजे, पाइवेट ओराइजे. सीड ब्लाइट ऑफ राइस राइजोक्टना सोलानी. फॉल्स स्मट की कॉजल ऑर्गेनिज्म है यूस्टिलिनोवायरसेस. खैरा डिजीज जो कि जिंक की डिफिशियंसी के कारण होता है. और टुंग्रो डिजीज जो कि एक वायरल डिजीज है. तो हम कुल मिला के हमें फंगल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज और वायरल डिजीज देखने को पाई जाती है. राइस ब्लास्ट है फंगल डिजीज, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस भी फंगल डिजीज है, बैक्टीरियल ब्लाइट बैक्टीरियल डिजीज है और सीड ब्लाइट है बैक्टीरियल डिजीज, फॉल्स स्मट है फंगल डिजीज और खैरा डिजीज है जो कि जिंक की डिफिशियंसी के कारण होता है और टुंग्रो डिजीज जो कि एक वायरल डिजीज है. अगर हम डिटेल में डिस्कस करें एक एक कर को तो चलिए देखते हैं हमारा पहला डिजीज जो कि है राइस ब्लास्ट. राइस ब्लास्ट का कॉजल ऑर्गेनिज्म है पायरिकुलेरिया ग्रीजे. इसको हम पायरिकुलेरिया ओराइजे भी बोलते हैं. और दोस्तों इसका एसेक्सुअल स्टेज जो होता है उसको हम मैग्नोफोटा बोलता है. तो राइस ब्लास्ट का कैरेक्टरिस्टिक एक सिंबल है, मतलब एक साइन है जिससे कि हम पहचान सकते हैं कि ये राइस ब्लास्ट है. वो क्या है जो है कि स्पिंडल शेप्ड स्पॉट्स. ये जो स्पिंडल शेप्ड स्पॉट्स होता है वो ब्राउन कलर का मार्जिन बनाता है. ब्राउन कलर का मार्जिन आप जैसे देख सकते हैं यहाँ इस फिगर पर, वो ब्राउन कलर का मार्जिन है और अंदर ग्रे कलर का सेंटर होता है इसका. और ये स्मॉल स्पेक्स ओरिजिनेट होता है लीफ में पहले जब इसका इन्फेक्शन स्टार्ट होता है. और ये जो डिजीज होता है राइस ब्लास्ट वो किसी भी ग्रोथ स्टेजेस पे देखने को पाई जाती है या किसी भी एरियल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स लाइक नेक, लीफ और नोड पे भी पाई जाती है. अगर ये नेक पे हो तो उसका नाम है नेक ब्लास्ट, उस सिम्टम्स को हम नेक ब्लास्ट बोलते हैं. और लीफ पे होता है तो उसको लीफ ब्लास्ट बोलते हैं और नोड पे होता है तो नोड ब्लास्ट बोलते हैं. एमोंग दिस थ्री, मतलब लीफ ब्लास्ट, नेक ब्लास्ट और नोड ब्लास्ट, लीफ ब्लास्ट मोर इन्फेक्शियस साबित होते हैं. और ये जो स्पिंडल शेप्ड स्पॉट्स होता है अगर हम टिपिकली इसका डायमेंशन देखें तो ये 0.5 से 1.5 सेंटीमीटर लेंथ होता है और 0.3 से 0.5 सेंटीमीटर विड्थ होता है. और अगर हम यहाँ देखें कि ये जो स्पॉट्स होता है वो लार्ज पैचेस जैसे बन जाती है. आप इधर देखिए पूरा लीफ को एक एक छोटा छोटा जो स्पॉट्स होता है ऐसा ज्वाइन होकर वो पूरा लीफ को ऐसा लार्ज पैच की तरह बना देती है. अगर हम एक एक सिम्टम्स को डिटेल्स में पढ़े तो लीफ ब्लास्ट मोर इन्फेक्शियस होता है और इसका नाम ही ब्लास्ट पड़ता है लीफ ब्लास्ट से, मतलब लीफ ब्लास्ट के कारण इसको ब्लास्ट कब बोल के बोला है. जो फील्ड होता है दोस्तों वो बंट अपेयरेंस, मतलब जल जाने की सर्कुलर पैचेस के कारण जल जाने की तरह दिखाई देते हैं. और सेवरल केसेस में लॉडजिंग ऑफ क्रॉप भी होता है. लॉडजिंग का क्या मतलब है दोस्तों कि लॉडजिंग में वो प्लांट अपने आप गिर जाती है, वो वजन संभाल नहीं पाती है. क्यों वजन संभाल नहीं पाती है? क्योंकि यहाँ कॉलर रीजन में वो डिके हो जाती है, मतलब यहाँ वो डिके होके जो टिश्यू होता है प्लांट का वो सब सड़ जाती है. सड़कर
प्लांट वीक हो जाता है और अपने आप गिर जाता है। अगर नेक ब्लास्ट का कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स हम देखें तो नेक ब्लास्ट में आप इधर देख सकते हैं, नेक ब्लास्ट में वो जो रीजन है वो ब्रेक होके सिविल होके टूट गया है, इसीलिए नेक ब्लास्ट में पार्शियली सिविल्स होता है एंड पार्शियली ग्रेन सेट इनहिबिटेड, मतलब ग्रेन नहीं होता है और वो ब्रेक हो जाता है। अगर नोड नोड बोलते हैं, नोड जो जंक्शंस होता है टिलर्स के जो जंक्शंस होता है वो उसको हम नोड बोलते हैं, और वो नोड जो होता है वो ब्लैक कलर का फॉर्म होके ब्रेक हो जाता है। ये सब सिम्टम्स हमें ब्लास्ट की देखने को मिलता है। अगर हम एटियोलॉजी की बात करें तो माइसीलियम सेप्टेट होता है, मतलब जो फंगस होता है वो सेप्टेट माइसीलियम का होता है और वो हाइलाइन टू ओविलाइसिस होता है, मतलब उसके चारों ओर एक स्लाइमी लेयर जो होता है वो फॉर्म होता है। रिप्रोडक्शन अगर हम बात करें फंगस की तो वो एसेक्सुअल है बाय कर्व्ड फ्यूजीफॉर्म फोर सेल हाइलाइन एस्कोस्पोर्स। एस्कोस्पोर्स उसका मेनली स्पोर्स है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और पेरिथिका में वो प्रोड्यूस होता है। पेरिथिका मतलब अगर आप बोले तो ऐसा एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, इसके अंदर एस्कोस्पोर्स होता है। अगर हम इन्फेक्शंस की बात करें तो इन्फेक्शंस जो प्राइमरी स्टेज ऑफ इन्फेक्शंस है वो कोनिडिया, मतलब कोनिडिया कॉज करता है, और सेकेंडरी स्टेज ऑफ इन्फेक्शन एयरबोर्न कोनिडिया। वही कोनिडिया अगर उड़कर एक इन्फेक्टेड फील्ड से फ्रेश फील्ड पे गिर जाती है तो वो वहाँ इन्फेक्शन कॉज शुरू कर देता है। एपिडेमोलॉजी मतलब फंगस का जो अगर स्टडी करें हम, क्या ऐसा कारण है कि फंगस ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो कर जाती है। तो अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो वो 82 फ़ारेनहाइट पे ज़्यादा दिखने को पाई जाती है, और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, मतलब ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा हो तो फंगस का ग्रोथ भी ज़्यादा होता है, और अगर टेम्परेचर कूलर या वार्मर हो जाए तो फंगस की जो रेट है इन्फेक्शन का वो घट जाती है, लेकिन पूरे तरह से फंगस डिग्रेड नहीं होती है। एज द सीजन प्रोग्रेसेस वॉच आउट फॉर माइल्ड टेम्परेचर्स, मतलब काल मॉर्निंग्स और फॉगी, जो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होता है तो मॉइस्चर पीरियड ज़्यादा होता है, वो ऑल कंडीशंस में प्रमोट कर जाती है ब्लास्ट डेवलपमेंट। अगर हम इसके लाइफ साइकिल को देखें तो हम फोकस कर सकते हैं इस फिगर पे, जिसका डिटेल लाइफ साइकिल हम देख सकते हैं। पहले क्या होता है, वो फंगस अगर मान लीजिए एक फील्ड पे इन्फेक्शन हुआ है और वो दूसरे फील्ड को कोनिडिया के जरिए इन्फेक्शन कॉज कर रहा है, तो वो इन्फेक्शन में वो थ्री सेल कोनिडिया राइस के वो जो लैंड करता है लीफ पर, इट लैंड्स ऑन द राइस लीफ सरफेस एंड द स्पोर्स जो होता है वो जर्मिनेट होता है एक जर्म ट्यूब बना के, राइस के लीफ पे जो जर्म ट्यूब बनता है आप इधर देख सकते हैं, जो कोनिडिया आया है वो जर्म ट्यूब बन के एक नैरो ट्यूब बन गया है, विच सब्सिक्वेंटली फ्लैटेंस, ये फ्लैट हो गया है, आप इधर देख सकते हैं ये फ्लैट हो गया है, और फ्लैट हो जाने के बाद ये माइसीलियम ग्रो करके मेलानाइज हो जाती है, मतलब मेलानाइजेशन डिपोजिशन होने के कारण ये एक टग ऑफ प्रेशर डेवलप करता है। अगर वो टग ऑफ प्रेशर से ये पेनिट्रेट कर पाता है राइस के जो लीफ होता है उस एपिडर्मिस को, और वंस ये एपिडर्मिस में घुस जाता है तभी वो एपिडर्मल जो सेल्स होता है वो सेल्स के बीचों बीच प्लाज्मोडेस्माटा के जरिए चला जाता है, और फिर ये जाने के बाद प्लाज्मोडेस्माटा वो जो टिश्यू होता है प्लांट में उसको धीरे धीरे रप्चर करता है, रप्चर करने के बाद ये इन्फेक्ट हो जाता है, फिर जो कोनिडियोफोर है वो डेवलप होती है, आप इधर देख सकते हैं जो कोनिडियोफोर है वो डेवलप होता है, और जो लेसेंस होता है वो 72 से 96 आवर्स तक दिखने को पाई जाती है जब इन्फेक्शन होने के बाद। इस तरह ये सक्सेसफुली एस्टेब्लिश कर जाती है प्लांट में। मैनेजमेंट, किसी भी डिजीज में मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, क्योंकि डिजीज को कॉज होने के बाद फार्मर पहले कैसे मैनेज करना है उसको वो सोचता है। तो मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो कई मेथड से मैनेजमेंट, जैसे कल्चरल मेथड और केमिकल मेथड और बायोलॉजिकल मेथड। अगर हम कल्चरल मेथड की यार ध्यान दें तो हमें कोई भी केमिकल इधर यूज़ नहीं करना है, हमें जो एंशियंट ट्रेडिशन प्रैक्टिस है उस पर ध्यान देना है। तो जो रिमूव करना है क्या है, किस चीज़ को, कोलेटरल वीड होस्ट। कोलेटरल वीड होस्ट मतलब क्या दोस्तों, कोलेटरल वीड होस्ट मतलब है अगर राइस प्लांट के अलावा कैसा उससे मिलती जुलती ऐसा एक प्लांट होता है, एग्जांपल एक्नोक्लोवा। एक्नोक्लोवा जो कि वीड है राइस में, उसको हम अगर बढ़ने दे फील्ड में तो वो कोलेटरल होस्ट की तरह काम करता है। अगर फंगस को हमें मिटाना है और हमें केमिकल स्प्रे किए हैं तो वो फंगस क्या करता है, वो कोलेटरल होस्ट पे जाके बस जाता है। वो कोलेटरल होस्ट में वो
अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करके वहाँ कोनिडिया प्रोड्यूस करके फिर दोबारा इन्फेक्ट करते हैं राइस प्लांट में। इसीलिए हमें कोलेट्रल वीट जो होस्ट होते हैं वो बर्न से और बीचों बीचों जो चालांस होता है उधर से रिमूव करना है, और हमें डिजीज फ्री सीडलिंग्स भी यूज़ करना है। नाइट्रोजन के अधिक यूज़ करने से हमें बल्कीनेस आ जाता है प्लांट में और वो वेजिटेटिव फेस ज़्यादा हो जाता है, जिसके कारण कोनिडिया को ज़्यादा ग्रो करने का मौका मिल जाता है। इसलिए हमें एक्सेस नाइट्रोजन यूज़ नहीं करना है, और वो 50% बेसल, 25% टेलरिंग एंड 25% पैनिकल इनिशिएशन में 3 स्प्लिट डोजेस में यूज़ करना है। और अभी रेजिस्टेंस वेराइटी भी डेवलप की गई है, जैसे कि CO47, इसका भी यूज़ करने से जो कि रेजिस्टेंस है ब्लास्ट से। अगर हम केमिकल मेथड्स की देखें तो केमिकल मेथड्स में मोस्ट इफेक्टिव आ जाता है कार्बन डिजन। कार्बन डिजन अगर 50 WP एट द रेट 500 ग्राम्स पर हेक्टर, मतलब एक हेक्टर को 500 ग्राम सॉल्यूशन बना के हम अगर स्प्रे करते हैं तो हम इससे मुक्ति मिल जाती है। और ट्राइसाइक्लोजोल और मेटानोमिनोस्ट्रोबिन, ये भी अच्छा एक केमिकल्स है जो कि अल्टरनेटिव केमिकल्स की तरह यूज़ करते हैं अगर कार्बन डिजन अवेलेबल ना हो। और एजोक्सोस्ट्रोबिन 25 SC, मतलब ये लिक्विड फंजिसाइड्स है जो कि 500 ml पर हेक्टर यूज़ की जाती है जनरली ब्लास्ट को हटाने के लिए। तो दूसरे डिजीज पे आते हैं, ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस। ब्राउन स्पॉट ऑफ राइस जो कि कॉजल ऑर्गेनिज्म है हेलमेंथस्पोरियम ओराइजा, मतलब इसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है वो कॉज्ड बाय है हेलमेंथस्पोरियम ओराइजा। हेलमेंथस्पोरियम ओराइजा को हम हेलमेंथस्पोरियम पाइवी भी कहते हैं, और इसका एक कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स है वो जी को नाम में ही है, वो है ब्राउन स्पॉट, मतलब ये जो ओवल या सर्कुलर स्पॉट्स हो जाती है लीफ पे, और इसको हमें ब्लाइट सीडलिंग्स भी बोलते हैं। इसीलिए इसको ब्लाइट सीडलिंग्स भी बोलते हैं। लीफ स्पॉटिंग इज़ वेरी कॉमन, मतलब जो स्पॉट्स होता है वो वेरी कॉमन होता है। आइसोलेटेड ब्राउन राउंड टू ओवल रिजम्बल सेसमम सीड्स, जो सेसमम सीड्स है वो रिजम्बल कर जाते हैं इधर। और अगर हम देखें कि इसका जो सिम्टम्स है वो ग्रेन्स पे भी अधिक तरह दिखने को पाई जाती है, मतलब जो ग्रेन्स में जो स्पॉट्स होता है वो स्पॉट्स अगर हम जो परचेस करते हैं उसमें बहुत कम मिलती है, लेकिन 50% ग्रेन्स तक ये इन्फेक्ट कर जाती है। डार्क ब्राउन स्पॉट्स और ब्लैक स्पॉट्स और ग्लूम्स और पानिकल्स में भी इसका इन्फेक्शन हमें देखने को पाई जाती है। और ये ओलिवेसिस तो वेलवेटी ग्रोथ है, मतलब मखमल की तरह स्मूथ होता है ये स्पॉट्स। एंड अगर हम इसका एटियोलॉजी की बात करें तो माइसिलियम है वो इंटर एंड इंट्रासेलुलर है, मतलब वो प्लांट के अंदर अंदर बीचों बीचों ही चला जाता है, और वो सेपरेट होता है कोनिडियोफोर इमर्जेंट ग्रुप, मतलब वो ग्रुप होता है थ्रो एपिडर्मिस ऑन स्टोमाटा, मतलब स्टोमाटा के अंदर से घुसता है और स्टोमाटा से बाहर भी निकलता है एज ए ग्रुप। एंड बियर्स कोनिडिया सिंगली और 8 to 10 सेल टैपरिंग टुवर्ड्स एंड बल्च एट द मिडिल, मतलब अगर हम इसका बात करें तो ये ऐसा होता है। ये देखिए दोस्तों, ये बल्ज है मिडिल और इधर टैपरिंग होता है। एंड इन्फेक्शन की अगर हम बात करें तो प्राइमरी स्टेज ऑफ इन्फेक्शन इन्फेक्टेड सीड्स से होते हैं। हमने जैसे बताया था कि मैक्सिमम 50% की राइस जो ग्रेन्स होता है वो उसको इन्फेक्ट कर जाती है, और वहाँ से हमें इन्फेक्टेड सीड्स अगर ग्रो कर दे फ्रेश फील्ड में तो ब्राउन स्पॉट की सिम्टम्स हमें देखने को मिलता है। और कोलेट्रल होस्ट, जैसे हम बताए कि कोलेट्रल होस्ट एक्नोक्लोवा या ऐसा और कोई अदर जो वीड्स होता है बंड्स पे, वो भी अगर ना हटाए तो वो भी सेकेंड स्टेज ऑफ इन्फेक्शन का कारण बन जाता है। अगर इसका फेवरेबल कंडीशंस हम बात करें तो टेम्परेचर जो होता है वो 25 to 30 degrees Celsius पर ये फंगस ज़्यादा ग्रो करता है, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी उसका मोर देन 90% को प्रीफर करता है ये फंगस। और हैवी एंड लेट नॉर्थ मानसून पर ये ज़्यादा, अगर क्लाउडी हो जाए और ज़्यादा बारिश हो तो वो गीलापन ज़्यादा हो, ह्यूमिडिटी ज़्यादा हो, तभी ये मोर संख्या में पाई देखने को पाई जाती है। और हाई डोजेस ऑफ नाइट्रोजन बल्कि बना देती है प्लांट्स को, प्लांट्स का जो टिश्यू होता है वो ज़्यादा मटेरियल कंटेंट करती है, इससे कि वो ज़्यादा तरह इन्फेक्ट करते हैं। और अगर हम इसके लाइफ साइकिल को डिटेल में स्टडी करें, ये एक इन्फेक्टेड ग्रेन्स है जिसमें हेलमेंथस्पोरियम ओराइजा है, तो अगर फार्मर ये फील्ड ये सीड ट्रीट ना करके अगर ग्रो कर दे तो वो जैसे कि हम देख सकते हैं इस फिगर पे, तो वो ग्रो करके अपने आप ग्रो होता है, स्पोर्स के जर्मिनेट होता है, एंटर द सीडलिंग्स, मतलब वो सीड से अभी सीडलिंग पे एंटर कर गया है, फिर उसका वो प्लांट इसी को कंज्यूम करके बड़ा हो जाता है। आप इधर देख सकते हैं वो जो प्लांट इसी को कंज्यूम करके बड़ा हो चुका है वो ये एपिडर्मिस होता है। ये एपिडर्मिस पे वो
ये जो एपिडर्मिस है, देखिए आप देख सकते हैं ये एपिडर्मिस पे वो ग्रो कर गया है, फिर ग्रो करने के बाद वो ग्रेन्स पे इन्फेक्ट करता है। ऐसे सक्सेसफुली वो अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करता है प्लांट सीड से, प्लांट सीड से पूरा प्लांट में जब बड़ा होता है टिलर्स तक, फिर वो जो ग्रेन्स आता है वो भी 50% इन्फेक्टेड हो जाता है। ऐसा उसका लाइफ साइकिल कंटिन्यू होता है अगर हमें कोई भी मेजरमेंट नहीं ली तो। मैनेजमेंट, मैनेजमेंट जो बता है, हम जाते हैं दोस्तों प्रिवेंटिव में, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इसीलिए हमें प्रिवेंशन मेजर्स को भी ध्यान देना चाहिए। जैसे कि रेजिस्टेंस वेराइटी रासी IR36 जगन्नाथ का भी यूज़ कर सकते हैं, और प्रॉपर क्रॉप न्यूट्रिशन मतलब पोटेशियम का जो डिफिशियंसी है अगर वो हम कम कर दे तो प्लांट ज़्यादा रेजिस्टेंस बन जाता है, और वाटर स्ट्रेस को भी अवॉइड करना चाहिए, और क्लीन कल्टिवेशन मतलब जो स्टबल्स होता है, कोलेटरल होस्ट होता है उसको हटाने चाहिए, और कल्चरल प्रैक्टिसेस जैसे डिजीज फ्री सीडलिंग्स शो करना चाहिए, ग्रेन्स जो ब्राउन सॉल्ट से इन्फेक्ट नहीं हुए हैं वो लेना चाहिए, और सीड ट्रीटमेंट भी करना चाहिए। एंड डू नॉट यूज़ हाई नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स, नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्स ज़्यादा तक ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, और रेजिस्टेंस वेराइटी अमृता ग्रो करने पर भी ये डिजीज़ कम देखने को पाई जाती है। और अगर हम ये सब होने के बाद अगर फिर भी हम डिजीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं तो केमिकल कंट्रोल इज़ द लास्ट मेथड। इन दिस इफ द डिजीज ऑब्जर्व इन द फील्ड देन स्प्रे 1 ग्राम ऑफ इडीफिनोफल्स और 2 ग्राम ऑफ मैंकोजेब, और अल्टरनेटिव में जिंकेब, जिंकेब का भी यूज़ करते हैं जो कि ज़्यादातर ज़्यादा इफेक्टिव है इन 1 लीटर ऑफ वाटर। तीसरा डिजीज़ जो है हमारा बैक्टीरियल ब्लाइट, एक ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है राइस का, जिसकी जो कि कॉज करता है, कॉज बाय है जैंथामनस ओराइजे पेवी ओराइजे, और इसका जो मेन सिम्टम्स है वो क्रिसिक फेस और मार्जिन ब्लाइट, ये दोनों इसका मेन सिम्टम्स है जो कि देखने को पाई जाती है, और अर्ली स्टेज में है सिस्टमिक इन्फेक्शन। सिस्टमिक इन्फेक्शन मतलब क्या है दोस्तों? सिस्टमिक इन्फेक्शन में मतलब है प्लांट का अंदर जो पार्ट्स है उसमें इन्फेक्ट कर जाती है ये बैक्टीरिया, और उसमें इन्फेक्शन के बाद बाहर जो हम सिम्टम्स देखते हैं वो है लीफ रोलिंग, ड्रोपिंग, येलोइंग एंड विदरिंग ऑफ टिलर्स एंड डेथ ऑफ एफेक्टेड टिलर्स। फाइनली जो एफेक्टेड टिलर्स है वो डेथ होके उस झड़ जाती है। और मार्जिन ब्लाइट मतलब जो लीव्स होता है वो वहाँ पर वाटर सोक्ड ट्रांसकोलेंट स्पॉट्स होता है विथ, एंड मिडरिप भी अफेक्ट कर जाती है, मिडरिप भी वाइट से येलोइस कलर हो जाती है, आप देख सकते हैं इस फिगर पे। और स्ट्रिक्स कोलेसेस फिलिंग वास्कुलर बंडल्स विद बैक्टीरिया मतलब जो वास्कुलर बंडल्स होता है जाइलम और फ्लोएम उसमें बैक्टीरिया भर जाती है। और मिल्की एक्सुडेशन, बाहर से हमें मिल्की जैसे एक्सुडेशन मिलता है देखने को पाई जाती है कि वहाँ मिल्क जैसे सिक्रेशन होता है, एंड ग्रेन्स जो होता है वो डिसकलरेशन हो जाता है विद वाटर सॉक्ड स्पॉट्स। अगर हम इस बैक्टीरिया को डिटेल में स्टडी करें और ये डिजीज़ का कारण अगर हम डिटेल में स्टडी करें तो ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया मतलब हंस ग्राम ने जो एक्सपेरिमेंट की थी, अगर वो हेंस मतलब जो स्ट्रेन लेता है जो वो नहीं लेता है जो बैक्टीरिया उसको हम ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं, और जो स्ट्रेन्स अपने शरीर पे ले जाता है पिंक कलर का उसको हम ग्राम नेगेटिव बोलते हैं। और ये एरोबिक है मतलब ऑक्सीजन यूज़ करता है, एंड कैप्सूल फॉर्मर होता है मतलब जो उसका कोटिंग होता है वो कैप्सूल से बना होता है, एंड स्पोर्स ही एंडोस्पोर्स कभी भी प्रोड्यूस नहीं करता है, एंड रॉड सेपरेट बैक्टीरिया है ये। इन्फेक्शन की बात करें हम तभी ये जो सीड बॉर्न इरोकुलम मतलब सीड में ये डोरमेंट स्टेज में बैक्टीरिया पाई जाती है, अगर हम इसको सीड ट्रीटमेंट के बिना यूज़ कर दे तो वो बैक्टीरिया ग्रो कर जाती है फ्रेश इन्फेक्शन के लिए। अगर हम सेकेंडरी फेज ऑफ इन्फेक्शन की बात करें तो कैरियर होता है मतलब जो विंड एंड वाटर इरिगेशन पे हम यूज़ करते हैं, अगर इन्फेक्टेड फील्ड से वाटर जब चला जाता है फ्रेश फील्ड को तो वो जो इनोकुलम है वो अपने आप कैरी करता है, वो पैसिव इन्फेक्शन हो जाता है थ्रू हाइड्रोथ्रोट्स एंड वुंड्स, अगर प्लांट पे कुछ वुंड्स हो तो उधर से बैक्टीरिया एंट्री कर जाती है। इसका लाइफ साइकिल अगर हम डिटेल में स्टडी करें तो वो जो जंथोमोनस है वो पहले आप देख सकते हैं कैसे प्लांट को एंटर कर रहा है, वो जो प्लांट को एंटर कर रहा है वो ऐसे इरिगेशन थ्रो इरिगेशन मतलब जो स्टबल्स होता है वो स्टबल्स में अगर हम स्टबल्स अगर हम नहीं काटे हैं तो वो स्टबल्स में ऐसा डोरमेंट फेस में होता है, फिर स्टबल्स के अंदर वो बस जाता है, बसने के बाद वो नए प्लांट को अफेक्ट करता है, नए प्लांट को अफेक्ट करने के बाद वो धीरे धीरे जो टेम्परेचर अगर टेम्परेचर की टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो तो वो बैक्टीरिया मल्टीप्लाई कर जाता है, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होने के बाद वो प्लांट में अंदर ही अंदर डोरमेंट स्टेज में रहता है, फिर फ्रेश इन्फेक्शन कॉज करता है। मैनेजमेंट,
अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो कल्चरल प्रैक्टिस के अंदर हम रेजिस्टेंस वैरायटीज जैसे कि अजया, आशा, विराज, CO43, गोविंद, IR64, जानकी, PR4141, राधा, सोना, ऐसे कई वैरायटी है जो कि रेजिस्टेंस है बैक्टीरियल ब्लाइट के। और बैलेंस्ड फर्टिलाइजर एप्लीकेशंस यूज़ करना चाहिए, जैसे कि स्प्लिट एप्लीकेशंस ऑफ नाइट्रोजन एंड डिजीज फ्री सीडलिंग्स ही हमें ट्रांसप्लांट के लिए यूज़ करना चाहिए। और जो इनोकुलम होता है वो क्लीन कल्टीवेशन के द्वारा नष्ट हो जाती है, इसलिए इनोकुलम हमें क्लीन वाला यूज़ करना चाहिए। और रिमूव कोलेटरल वीड होस्ट फ्रॉम द बंड्स एंड चैनल्स, बंड्स और चैनल से हमें वो वीड्स रिमूव करना चाहिए एंड यूज़ ओनली डिजीज फ्री सीडलिंग्स। और हम बताए ना कि नाइट्रोजन हमें स्प्लिट डोजेस में यूज़ करना चाहिए। केमिकल कंट्रोल की बात करें दोस्तों, तो जैसे कि आप जानते हैं ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो ज़्यादातर ज़्यादा बैक्टीरियल डिजीज़ में हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं। और इधर स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 1 ग्राम बहुत ही इफेक्टिव होता है, या फिर कॉपर सल्फेट जो होता है CuSO4 0.3 ग्राम, वो भी ज़्यादातर ज़्यादा बेनिफिट होता है। और एग्रीमाइसिन वो भी एक एंटीबायोटिक है जो कि ज़्यादातर यूज़ होता है। और एंशियंट का टाइम में 0.1 कॉपर ऑक्सीक्लोराइड भी बहुत ज़्यादा यूज़ होने को पाई जाती है। और फोलियर स्प्रे ऑफ 0.05 ग्राम स्ट्रेप्टोसाइक्लिन एंड दोनों कंबाइन करके अगर हम अप्लाई करें तो वो भी डबल बेनिफिट हमें मिलता है। हमारा चौथा डिजीज़ है दोस्तों सीड ब्लाइट ऑफ राइस, ये भी एक बैक्टीरियल डिजीज़ है जो कि कॉज्ड बाय है राइजोक्टेनिया सोलानी। इस बैक्टीरिया का नाम है राइजोक्टेनिया सोलानी। इसमें इस सिम्टम्स में ऑरेंज टू येलो स्पॉट्स ज़्यादातर हमें देखने को पाई जाती है लीव्स पे और स्टेम्स पे। डिसकलरेशन बिगिंस फ्रॉम लीफ टिप एंड एक्सटेंड्स डाउन टू द ब्लेड ऑफ लोअर लीफ पोर्शन। डिलेड फ्लावरिंग मतलब जो रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो अधिक से अधिक टाइम लेता है और प्लांट का जो लाइफ साइकिल है वो लंबाई लंबा हो जाता है। पेनिकल्स स्मॉल मतलब जो छोटी छोटी पेनिकल्स होती है एंड नॉट कम्प्लीटली एग्जेक्टेड, कम्प्लीटली मतलब वो इरेक्ट नहीं होता है। मोस्ट पेनिकल्स आर स्टेराइल एंड पार्शियली फिल्ड ग्रेन्स मतलब जो ग्रेन्स होता है वो पार्शियली फिल हो जाता है। अगर हम इटियोलॉजी की बात करें तो ये फंगस जो होता है वो लॉन्ग सेल्स सेपरेट माइसिलियम होता है उसका, वो जो फंगस होता है वो लॉन्ग सेल सेप्टेट माइसिलियम होता है उसका एंड हाईलाइन होता है मतलब ट्रांसपेरेंट व्हेन यंग एंड येलो इज व्हेन ब्राउन व्हेन ओल्ड, मतलब वो एज के बढ़ने के कारण वो चेंज हो जाती है। इट प्रोड्यूस ए लार्ज नंबर ऑफ ग्लोबियस स्क्लेरोटा, स्क्लेरोसिया इसका मीडियम है रिप्रोडक्शन का एंड इट लेटर टर्न ब्राउन और पर्पलिस ब्राउन। एंड इन्फेक्शन की अगर बात करें हम तो वो प्राइमरी स्टेज ऑफ इन्फेक्शन है सीड और सॉयल बॉर्न फंगस है, ये सीड में सॉइल में हो जाती है। सेकेंडरी स्टेज अगर बात करें हम सेकेंडरी स्टेज ऑफ इन्फेक्शन तो स्क्लेरोटल बॉडीज लेफ्ट इन द फील्ड फ्रॉम प्रीवियस क्रॉप, अगर प्रीवियस क्रॉप में अगर हम फिर दोबारा जब क्रॉप ग्रो करते हैं उस प्रीवियस क्रॉप में अगर वो जो स्पोर्स स्क्लेरोटल बॉडीज होते हैं उसको हम प्लाउइंग से या कुछ सॉइल एप्लीकेशंस नहीं करते हैं, ट्रीटमेंट नहीं करते सॉइल ट्रीटमेंट, तो वो जो स्क्लेरोटल बॉडी रहती है वो इन्फेक्शंस की जरिया बन जाती है फ्रेश इन्फेक्शंस के लिए। एपिडर्मोलॉजी, ये जो फंगस है वो ज़्यादा तक ज़्यादा 96% से 100% ह्यूमिडिटी को प्रीफर करता है और ये टेम्परेचर जो होता है वो 28 से 32 डिग्री सेल्सियस पर ज़्यादा ग्रो करता है। और हाई लेवल्स ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर यूज़ करना पर भी ये ज़्यादा देखने को पाई जाती है एंड हाई सीडलिंग रेट एंड क्लोजिंग प्लांट क्लोज प्लांट स्पेसिंग, अगर हम जिस पे रिकमेंडेड स्पेसिंग है वो ना फॉलो करें तो भी ये ज़्यादा होता है। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो ज़्यादा तक ज़्यादा मैनेजमेंट इसके लाइफ साइकिल में हमें देखने को पा जाती है। इसका लाइफ साइकिल अगर हम डिटेल में स्टडी करें, जैसे कि दोस्तों हमने बताया कि सॉइल बोन फंगस है ये, मतलब सॉइल ज़्यादा से ज़्यादा सॉइल में ये रहता है। आप देख सकते हैं जो स्क्लेरोटल है वो इन्फेक्टेड डिब्रिस में इधर है, इस फिगर को आप फोकस कर सकते हैं, जो स्क्लेरोटल बॉडी है वो इन्फेक्टेड डिब्रिस में है। अगर हम फ्रेश क्रॉपिंग सीजन्स पे ऐसा कुछ मेजर्स बिना लिए अगर हम प्लांट को ट्रांसप्लांट कर देते हैं तो जो इरिगेशन वाटर है वो कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द राइस, अगर ये जो इरिगेशन वाटर है कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द राइस और जो स्क्लेरोटल बॉडी से वो इन्फेक्ट हो गई है प्लांट को, और जो माइसिलिया है वो जो प्लांट में वो धीरे धीरे प्लांट टिश्यू के अंदर घुस गया है इधर, एंड द फंगस कॉलोनाइजेस द प्लांट टिश्यू एंड सीड। ये भाई अगर घुस गया जब प्लांट के अंदर
ये जो फंगस कॉलोनाइज हो जाता है, वो रिप्रोडक्शन हो जाते हैं अंदर, और वो प्लांट टिश्यू को धीरे धीरे डैमेज करना शुरू करता है। एज द फंगस कॉलोनाइजेस मोर टिश्यूज एंड डिजीज स्प्रेड्स अपवर्ड्स इन्फेक्टिंग अपर लिप, धीरे धीरे नीचे से वो इन्फेक्शन इन्फेक्टेड जो फंगस है वो धीरे धीरे अपर पार्ट्स को भी इन्फेक्ट कर जाती है। फिर वो जो स्क्लेरोटिया डेवलप होता है ऑन इन्फेक्टेड टिश्यू विच इवेंचुअली फॉल ऑन द ग्राउंड, वो जो लीफ सीड्स होता है वो फॉल होता है ग्राउंड में, गिर जाती है टूटकर। एट द एंड ऑफ द क्रॉपिंग सीजन स्क्लेरोटिया सर्व्स एज अ सर्वाइवल स्ट्रक्चर बिटवीन द क्रॉप्स। तो ये स्क्लेरोटिया ही है जो कि एक क्रॉप से दूसरा क्रॉप, एक फील्ड से दूसरा प्लांट, एक फील्ड से दूसरा फील्ड, एंड इवन एक प्लांट से दूसरा प्लांट और एक टिलर से दूसरा टिलर को भी इन्फेक्ट करता है। अब इसके मैनेजमेंट की बात करें तो कल्चरल प्रैक्टिसेस में हमें रेजिस्टेंस वेराइटीज जैसे राधा, पंकज, मानसरोवर, मंडिया, विजया, ऐसे कुछ रेजिस्टेंस वैरायटी बहुत है जो कि डेवलप हो चुकी है, वो उसको हमें यूज़ करना चाहिए। और एवॉइड यूजिंग इन्फेक्टेड सीड्स, जो सीड्स होती है वो स्क्लेरोटिया कंटेन करते हैं, इसलिए हमें सीड ट्रीटमेंट करके ही सीड्स को यूज़ करना चाहिए। और जो अप्लाई होता है मॉइस्चर है उसको भी हमें कंट्रोल करना चाहिए, और जो डिस्ट्रॉय स्टबल्स होता है उसको भी डिस्ट्रॉय करना चाहिए, और जो ब्राउन प्लांट होपर पॉपुलेशन है वो कैरियर होता है इसलिए उसको भी हमें कंट्रोल करना चाहिए। केमिकल की बात करें अगर हम, तो कार्बनडिज्म इज़ द बेस्ट सोर्स टू कंट्रोल दिस डिजीज, एंड 2 ग्राम ऑफ मैंगोज एंड 75 WP इन 1 लीटर ऑफ वाटर इज ऑल्सो इफेक्टिव। सीड ट्रीटमेंट अगर सीड्स में होता है ये, तो सीड ट्रीटमेंट हमें कार्बन डिजम से ही करना चाहिए। 1 kg सीड्स पे 2 ग्राम ऑफ कार्बन डिजम सोल्यूशन करा के मिला के उसको सीड ड्राइंग करके सीड ट्रीटमेंट करते हैं, उसके बाद वो जो फंगस होता है वो नष्ट हो जाता है। देन स्प्रेइंग फंजिसाइड्स ऑफ 1 ग्राम 50 WPP और 2.0 ग्राम मैंकोज 75 WPP हेक्साकोनल भी इफेक्टिव होता है। अब हमारा 5वां डिजीज जो है वो है फॉल्स मेट ऑफ राइस, इसका कैजुअल ऑर्गेनिज्म है यू स्टिलागनो वायरेंसिस, एंड इसमें हम इतना डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते हैं दोस्तों कि प्लांट इन्फेक्ट हुआ है कि नहीं। आप इधर देख सकते हैं इस फिगर में ओनली फ्यू ग्रेन्स ही इन्फेक्ट हुआ है और बाकी जो है वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई सिम्टम नहीं है। इसीलिए यहाँ कही जाते हैं कि ओनली फ्यू ग्रेन्स इन द पानिकल आर यूजली इन्फेक्टेड एंड इंडिविजुअल राइस ग्रेन ट्रांसपोर्ट इनटू मास ऑफ येलो फ्रूटिंग बॉडी। तो ये मिल जाती है राइस जो पेनिकल से ग्रेन्स कलर के अंदर। देन ग्रोथ ऑफ वेलवेटी स्पोर्स, मतलब जो स्मूदी स्पोर्स होता है वो एनक्लोज ऑल फ्लोरल प्लांट्स, राइस का जो इन्फ्लोरेशन होता है वो सबको ये घेर देती है। और उसके बाद इमेच्योर स्पोर्स स्लाइटली फ्लैटन एंड येलो बिकम टर्न येलो एंड कवर्ड बाई ए मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन को कवर हो जाती है। नेक्स्ट जो होता है ग्रोथ होता है वो मेम्ब्रेन को ब्रेक करके फिर मैच्योर स्पोर्स जो है वो बाहर आ जाती है। अगर हम इसके इटियोलॉजी की बात करें तो वेजिटेटिव माइसिलियम जो है वो सेप्टेट है, और वेजिटेटिव माइसिलियम है जो वो सेप्टेट है एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है वो कोनिडिया होता है इसका, एंड जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बाई एस्कोस्पोर्स विच आर प्रोड्यूस इन द पेरिफेरल पेरिथिका ऑफ स्ट्रोमा। द स्ट्रोमा आर प्रोड्यूस्ड एज ए रिजल्ट ऑफ जर्मिनेशन ऑफ स्क्लेरोसिया। अगर हम इन्फेक्शन की बात करें तो सीड बॉर्न है, इसीलिए सीड बॉर्न इलोक्लोनम इज द प्राइमरी स्टेज ऑफ इन्फेक्शन एंड सेकेंडरी स्टेज ऑफ इन्फेक्शन इज प्लांट डेब्रिस, प्लांट डेब्रिस इज द सेकेंडरी स्टेज ऑफ इन्फेक्शन। एपिडेमोलॉजी, ये फंगस मोर ज़्यादा से ज़्यादा लो टेम्परेचर को प्रीफर करता है, इसीलिए लो टेम्परेचर इज द मोस्ट प्रिफरेबल कंडीशन एंड हाई ह्यूमिडिटी। मॉडरेट रेनफॉल, मतलब रेनफॉल इतना रोल प्ले नहीं करता है, अगर ड्रिजलिंग हो और ड्रिजलिंग होता रहे तो इसका ये फेवरेबल कंडीशन बन जाता है। अगर हम मैनेजमेंट की बात करें तो कल्चरल मेथड्स में हमें यूज ऑफ डिजीज फ्री सीडलिंग्स एंड हॉट वाटर ट्रीटमेंट का बहुत ज़्यादा रोल है। अगर सीड्स को हम ट्रीट करें 52 डिग्री सेल्सियस फॉर 10 मिनट्स तो ये फंगस नष्ट हो जाता है, एंड रिमूवल एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ डिजीज प्लांट पेनिकल्स इन द फील्ड। सीड ट्रीटमेंट विथ कार्बन डिजम, दैट इज 2.0 ग्राम सीड्स विथ कार्बन डिजम ट्रीट करें तो भी ये कम हो जाती है। रिमूव ऑफ ऑल्टरनेटिव होस्ट जैसे कि एक्नोक्लोवा क्रुसुगली एंड जंगल राइस एक्नोक्लोवा कोलोन, अगर ये सब करने के बाद भी फिर भी हमें देखने को पाई जाती है तो हम केमिकल को प्रेफर करते हैं, जैसे कि प्रोपोकिनोजोल 25 EC एट द रेट ऑफ 500 ml पर हेक्टर और कॉपर हाइड्रोक्साइड CU
COOH 77 WPE एट द रेट 1.25 केजी पर हेक्टर भी एट बूटिंग स्टेज, मतलब जो बूटिंग स्टेज होता है राइस का, फ्लावरिंग स्टेज होता है, उसमें अगर हम अप्लाई कर दें तो ये कंट्रोल हो सकता है। नेक्स्ट है एक डिजॉर्डर है, डिजीजेस के बदला इसको डिजॉर्डर भी बोलते हैं, क्योंकि ये जिंक जो कि एक न्यूट्रिएंट है, जिंक न्यूट्रिएंट के अभाव होने के कारण, मतलब जिंक न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी हो तो ये डिजीज होता है, इसको हम जनरली खाइरा डिजीज बोलते हैं। एंड दोस्तों ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसमें ज़्यादातर क्वेश्चंस पूछी जाती है खाइरा डिजीज के ऊपर। और जो मेन सिम्टम्स है खाइरा डिजीज का, डस्टी ब्राउन स्पॉट्स ऑन द अपर लिप्स ऑफ स्टंटेड प्लांट्स, मतलब जो प्लांट्स होता है वो डस्टी ब्राउन स्पॉट्स डेवलप करके छोटा छोटा हो जाते हैं, मतलब स्टंटेड ग्रोथ हो जाता है, और स्पाइकलेट में स्टेरिलिटी आ जाती है, मतलब वो इफेक्टिव स्पाइकलेट नहीं बनता है, और वो जो मिडरेम होता है वो भी क्लोरोटिक, मतलब येलोइस हो जाता है, वाइट से येलोइस हो जाता है, एंड प्लांट लोज ट्रिगर एंड टर्न ब्राउन प्लॉचेस एंड appear strikes on the lower leaves, lower leaves पर strikes देता है, white line sometimes appear along the leaf midrib and leaf blade is also reduced। अगर हम management की बात करें तो management इसमें क्या हो सकता है दोस्तों, जिस कारण ये जिंक की अभाव के कारण ये हुआ ना, तो इसलिए हमें जिंक अगर डाल दें फील्ड में, अगर जिंक इनफ सफिशियंट क्वान्टिटी से राइस को मिल जाए, प्लांट को मिल जाए, तो ये डिसऑर्डर या डिजीज फिर इफेक्टिव इसका कम घट जाती है, तो इसीलिए हमें जिंक ब्रॉडकास्ट करना चाहिए नर्सरी सीड पे, और अप्लाई ऑर्गेनिक मैन्योर्स, ऑर्गेनिक मैन्योर्स यूज़ करने पर भी ये ज़्यादातर इफेक्टिव होता है, एंड अलाउ परमानेंटली फ्लडेड फील्ड्स, एग्जांपल वेयर थ्री क्रॉप्स पर ईयर आर ग्रोन टू ड्रेन एंड ड्राई आउट, मतलब ऑल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग इसका इफेक्टिव होता है, और जो जिंक होता है सॉइल में वो अवेलेबल करवाता है प्लांट को। और लास्ट जो डिजीज है हमारा वो एक वायरल डिजीज़ है दोस्तों, जो कि राइस टुंग्रो वायरस है, टुंग्रो डिजीज ऑफ राइस बोलते हैं, कॉज्ड बाय राइस टुंग्रो वायरस। इसमें जो प्लांट्स होता है वो अफेक्टेड ज़्यादातर स्टंटनिंग हो जाती है, मतलब छोटा छोटा हो जाती है, स्टंटेड ग्रोथ हो जाता है, एंड रेड्यूस्ड टेलरिंग होता है। दीज लीव्स बिकम्स येलो और ऑरेंज येलो एंड मे ऑल्सो हैव रस्ट कलर्ड स्पॉट्स। डिस्कलरेशन बिगिंस फ्रॉम द लीफ टिप एंड एक्सटेंड्स डाउन टू द ब्लेड और द लोअर लीफ पोर्शन। डिलेड फ्लावरिंग, पेनिकल स्मेल्स, मतलब एक बू आती है पेनिकल्स से, एंड नॉट कम्प्लीटली एग्जिटेड, वो पूरे तरह से इरेक्शन नहीं होता है। मोस्ट पेनिकल्स आर स्टेराइल, एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर दैट ऑल द प्लांट्स आर स्टेराइल हियर। टुंग्रो वायरस डिजीज अफेक्ट ऑल ग्रोथ स्टेजेस ऑफ द प्लांट, एक्सपेशली वेजिटेटिव स्टेज में ये ज़्यादातर दिखने को पाई जाती है। और ट्रांसमिशन की बात करें, एक वायरल डिजीज हमेशा वेक्टर के जरिए ट्रांसमिट करता है, इसीलिए ये जो वेक्टर्स होता है वो मेनली नेफोटेक्टिस वायरसेस, ये जो नेफोटेक्टिस वायरस होता है वो इंसेक्ट होता है, इसके कारण ये एक फील्ड से दूसरे फील्ड या एक प्लांट से दूसरे प्लांट को ट्रांसमिट करता है। और इसका जो मेन एपिडेमोलॉजी है वो वायरस सोर्स से, प्रेजेंस ऑफ वायरस सोर्स अगर हो तो, या वेक्टर्स ज़्यादा हो गए तो ये डिजीज देखने को मिलता है, और प्लांट भी ससेप्टेबल हो जाए तभी वायरस को, तभी भी मैक्सिमम ये देखने को पाई जाती है। और अगर ये तीनों कंडीशन एक ही साथ आ जाए, सिंक्रोनाइज हो जाए, तो भी ये डिजीज आ जाती है, एंड इट इन्फेक्ट्स इन ऑल ग्रोथ स्टेजेस ऑफ द राइस। इटियोलॉजी अगर हम डिटेल में स्टडी करें इस डिजीज़ को, तो ये दो तरह के स्ट्रेन होता है जो वायरस है, टू अनरिलेटेड है, ये कोई भी अनरिलेटेड है। एक है RTBB जो कि बेसिलियस फॉर्म है, डबल स्ट्रैंडेड DNA उसका जेनेटिक मटेरियल है, ये क्या करता है, सिम्टम्स कॉज करता है, ये वायरस सिम्टम्स कॉज करता है। और एक है RTSV जो कि आइसोमेरिक है और सिंगल स्ट्रैंड RNA इसका जेनेटिक मटेरियल है, ये क्या करता है, एसेंशियल फॉर वेक्टर ट्रांसमिशन, मतलब ये एक है जो कि सिम्टम्स करता है RTBB, और दूसरा है RTSV जो कि सिम्टम्स ट्रांसमिट करने के लिए होता है। सो इन नो वेक्टर ट्रांसमिशन ऑफ RTBB इन द ऑप्शन ऑफ RTSV, अगर RTSV ना हो तो ये ट्रांसमिट नहीं हो पाता है, इसके कारण वो डिजीज कंप्लीट, डिजीज का लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं हो पाता है। मैनेजमेंट की अगर हम बात करें तो रेजिस्टेंस वैरायटी हम यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि IR36, IR50, ADT37, पोमानी और वाइट पोनी। और जो कल्चरल प्रैक्टिसेस है उसमें हम ज़्यादातर देखें तो रोटेशन ऑफ राइस विद पल्सेस, अगर हम पल्सेस यूज़ करें या ऑयल सीड्स उसके बाद ग्रो करें तो वो जो ब्रेक हो जाता है चेन वायरस का। और जो टुंग्रो वायरस होता है वो ज़्यादातर ज़्यादा स्टबल्स में वास करता है, इसलिए स्टबल्स को डिस्ट्रॉय करना भी बहुत ज़रूरी होता है।
केमिकल मेथड्स में अगर हम देखें, जैसे कि दोस्तों ये एक वेक्टर डिजीज है, मतलब वेक्टर इसका मेन रोल प्ले करता है, तो हमें कौन से भी इंसेक्टिसाइड्स जैसे मैंकोजेब यूज करके वो ग्रीन लीफ होपर को या नेफ्रोटोक्सिस वायरसेस को डिस्ट्रॉय करना चाहिए। सो इन नर्सरी स्टेज में कार्बोफोरिन ग्रैनुल्स बहुत इफेक्टिव होता है वो वेक्टर को डिस्ट्रॉय करने के लिए। एंड इंसेक्टिसाइड्स अगर हम बात करें तो मोनोक्रोटोपस और फेंटियोनी 100 ECB बहुत इफेक्टिव होता है। तो दोस्तों ये था हमारा कुछ डिजीजेस। अगर हम सभी में देखें तो बायोलॉजिकल मेथड एक ऐसा है जो कि बहुत ही एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है बिना कोई केमिकल का। तो क्या होता है ये बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ राइस डिजीजेस? अगर बायोलॉजिकल कंट्रोल की हम बात करें तो बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म और लॉजी मतलब स्टडी। तो अगर कोई से भी कंट्रोल हम लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ करके करते हैं, उसे अगर हम कोई भी स्टेप लिविंग ऑर्गेनिज्म के इन्वॉल्व करके लेते हैं तो उसको हम बायोलॉजिकल कंट्रोल बोलते हैं। ब्लास्ट में अगर हम सुडोमोनस फ्लोरेसेंस का मतलब जो सीड ट्रीटमेंट होता है वो सुडोमोनस जो पाउडर की तरह आता है वहाँ सीड ट्रीटमेंट करके लेते हैं तो ब्लास्ट बहुत इफेक्टिव होता है। और सुडोमोनस और बेसिलियस दोनों स्पेसीज ही बहुत ज़्यादा यूज़ करी जाती है फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल। एंड बेसिलियस सेप्टालिस भी एक इम्पॉर्टेंट है जो कि ब्राउन स्पॉट में ज़्यादा यूज होता है, मतलब ब्राउन स्पॉट कंट्रोल करने के लिए। और बैक्टीरियल ब्लाइट को भी वही बेसिलियस स्पेसीज एंड सुडोमोनस फ्लोरेसेंस इन टूंगरोल डिजीज, ये सब बायोलॉजिकल कंट्रोल है दोस्तों। तो दोस्तों ये था हमारा वो इम्पोर्टेंट टॉपिक अबाउट राइस डिजीजेस ऑफ राइस। और आपको कैसा लगा ये वीडियो? इस वीडियो को जरूर से जरूर लाइक करिए, शेयर करिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल पर एंड सोशल मीडिया लाइक फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड यूट्यूब। थैंक यू।